इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का अहम मौजू जिस पर रोशनी डालने की कोशिश, मुल्क में कई सारे मसाइल है, किसानों का एहतजाज और तेज होने जा रहा है। किसानों ने मोदी हुकूमत के तमाम बातों को रद्द करते हुए 3 बिल जो मरकजी हुकूमत ने मंजूर किए हैं मुकम्मल तौर पर रद्द करने का मुतालबा किसान कायदों के एक बार फिर कहा। वही वजीर दाखिला अमित शाह ने बिल में तरमीम कर सकते हैं पर मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लिया जाएगा की बात कही। कहने का मतलब किसान आर्या पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। खैर, अब इस लड़ाई को भारत विरोधी भी ठहराने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी मीडिया पहले से ही सत्ता से सवाल करने के बजाय विपक्ष को ही सवाल करता आया है और आगे भी शायद यही करता रहेगा, क्योंकि अब जिस तरह भाजपा या मोदी हुकूमत अपनी जीत हर रियासत में दर्ज कर रहे हैं, शायद भारत में कोई और पार्टी भी रहेगी या नहीं, ऐसा सवाल या शक होना एक ही नहीं, क्योंकि जमहूरियत में आवाम ही सब कुछ होती है। अगर हुकूमत सही नहीं है तो फिर भाजपा जीत कैसे रही है। जैसे बिहार चुनाव हो या हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी इंतखाबात में भाजपा की जीत बहुत कुछ बयान कर रही है। किसानों का एहतजाज पिछले कई महीनों से जारी है। किसानों को मंडियों को बंद करने वाला बिल कहा जा रहा है। अडानी अंबानी के हाथों किसानों को बेचने की साजिश भी कही जा रही है। यह भी उतना ही सच है कि भारत की मईशत पिछले 50 सालों में सबसे निचले मियार पर पहुंच चुकी है। यही राजनाथ सिंह है जिन्होंने 2013 में अवामी इजलास में कहा था, यानी कि किसानों का एहतजाज था तो उसमें वो शरीक हुए। किसानों से टकराने की गलती सरकार न करे के अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए और कहा था कि किसान जहां कहीं एहतजाज करते हैं उनका हमेशा समर्थन यानी हिमायत मैं करता रहूंगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा था। जब भी किसान की मांगे होती है कभी ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस पार्टी से है और इख्तदार पर कौन है, ये भी जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए थे। वैसे भी भाजपा के सभी कायद लीडर झूठ बोलने के लिए माहिर कहे जाते हैं। मशहूर साहब रविश कुमार ने तो कहा कि उस देश का क्या भला होगा जिस देश का प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो। और साथ में उन युवाओं पर भी सवाल उठाया कि नफरत की सियासत करने वाले युवा अगर इतनी बड़ी तादाद में देश में है तो इस देश को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम के इस खतरनाक खेल से आज के युवा को बचने की जरूरत है, ऐसा मशवरा भी उन्होंने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 18 घंटे काम करने की बात कही जाती है जबकि प्रधानमंत्री या तो टीवी पर नजर आते हैं या तो फिर सियासी रैलियों में। आखिर काम करते कब है और करते क्या है। खैर, ये तमाम बातें कुछ ही लोग बोल पाते हैं। किसानों का एहतजाज मुश्किलें पैदा कर सकता है, इसलिए खुद अमित शाह मैदान में उतरे। वैसे भी देश तो दो ही लोग चला रहे हैं, या तो मोदी या शाह, ऐसा कई इल्मी दानिशों का कहना है। तकरीबन 13 किसान लीडरों को अपने घर बुलाकर खुद अमित शाह ने मशवरा किया। कहा यह भी जा रहा है कि साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके इस एहतजाज को खत्म करने की मुकम्मल कोशिश मोदी सरकार की जानिब से की जा रही है। कल जब पूरे देश में किसानों की हिमायत में पूरा भारत बंद रहा तो मोदी शाह को यह एहसास जरूर हुआ कि कहीं एक किसानों का आंदोलन हमारी कुर्सी को न हिला दे, क्योंकि अब तक मुसलमानों के एजेंडों पर चुनाव जीते जा रहे हैं। जिस देश में ईद दिवाली मिलकर मनाई जाती थी, हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत भाईचारे की मिसाल दुनिया भर में दी जाती थी, पर अब इसे तकसीम कर दिया गया। नफरत की सियासत ने दरारें पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। नौजवान नस्ल को भाजपा की मुस्लिम विरोधी सियासत भी अच्छी लगने लगी है, ऐसा लगता है। तभी तो संविधान बदलने की बात कही जा रही है और तमाम बातों के लिए मुसलमानों के खिलाफ हर रोज कुछ न कुछ करना जरूरी है। नफरत की सियासत ने अपना मकाम इस मर्तबे ऊंचाई पर हासिल किया है कि दिगर सियासी पार्टियां भी अब मुसलमानों से दूर होने लगी हैं। उन्हें लगता है कि अब मुस्लिम मुखालिफ सियासत चल ही रही है तो हम भी क्यों पीछे पड़े। अगर भाजपा हार्ड हिंदुत्व की बात करती है तो दिगर सियासी पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। डर यह भी लग रहा है कि अगर यही मामला चलता रहा यानी मुस्लिम मुखालिफ सियासत, तो कहीं आने वाले दिनों में मुसलमानों को अछूता न बनाया जाए। पहले आपने देखा होगा कि सियासी पार्टियों में मुस्लिम चेहरों को टिकट भी दिया जाता था, अकलियतों के वोट हासिल करने के लिए इनकी तकरीरें भी रखी जाती थी, इन्हें स्टेज पर डायस पर बुलाया भी जाता था, बिठाया भी जाता था। पर भाजपा ने तो हालात ही बदल दिए। अब कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम दिगर पार्टियां मुस्लिम चेहरों को ना तो पोस्टर पर लाना चाहती है
या किसी इजलास में डाइस पर बिठाना चाहते हैं। लिहाजा देश का धर्मनिरपेक्षवाद या कहिए या तो फिर सेक्युलरिज्म खत्म होते जा रहा है। यह भाजपा हिंदुत्ववादियों का एजेंडा है जिसके जरिए से हिंदू राष्ट्र तक पहुंचना चाहती है और आवाम भी खुशी खुशी कबूल भी कर रहे हैं। भले कारोबार ना हो, रोजगार ना हो, फैक्ट्रियां दुकानें बंद हो, लेकिन मोदी को अवतार के रूप में देखना पसंद करती है। पर इतनी मेहनत से सैकड़ों फसादात और बेकसूर मासूमों की जानों लाशों पर खड़ा हो के अख्तदार हासिल किया है, किसान आंदोलन से नुकसान हो सकता है, तमाम मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसके लिए मरकजी हुकूमत किसी हाल में किसान एहतजाज कामयाब ना हो इसकी कोशिश कर रही है। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है, अमित शाह का अपने घर पर बुलाना किसानों को धमकाने के लिए तो नहीं था। ऐसा भी सवाल पूछा जा रहा है, जो भी हो किसान एहतजाज कहीं मुल्क को खाना जंगी में तब्दील होने की शुरुआत तो नहीं। बहरहाल मुल्क अजीब दौराए पर पहुंच चुका है। मौजूदा देश की तस्वीर को किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, आवाम को या हुकूमत को? किसी शायर ने कहा है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहन रखे है दस्ताने। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।